इलाकों में कार्यकर्ताओं से धन्यवाद करने का दौर चालू किया। आज हमने 9 हलके पूरे किए। हर जगह कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, ऐसी गर्मी में जो सहयोग मिला और उन्होंने अपने अपने बूथ संभाले, उनका सभी धन्यवाद दिया। आने वाले वक्त में हम और नीचे जाकर गाँवों में भी और तरह से लोगों का धन्यवाद करेंगे। ये दौर अभी लंबा चलेगा। आगे का चुनाव भी सर पर है, विधानसभा का। उसके लिए सभी लोगों से हमने आग्रह किया है कि वो कमर कस लें और ये अगली लड़ाई के लिए सब तैयार हो। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। सिरसा लोकसभा की 9 की 9 सीटें हम जीतें, सभी लोग इस पर मेहनत करेंगे। इसके अलावा भी हरियाणा में हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा जा सकें कोशिश करेंगे हम, और ताकि हरियाणा में बहुत बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस की बने। भाजपा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। केंद्र में आपने देखा जैसे हमारा नतीजा आया है, बहुत लोगों को भ्रमित किया गया, आखिर तक भ्रमित करते रहे, एग्जिट पोल तक भ्रमित करते रहे, लेकिन कहाँ 400, कहाँ 370। असलियत सामने आ गई है। केवल गलत झूठ का प्रोपेगेंडा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। लोग सरकार बनाते हैं ताकि उनके काम हो, उनके लिए आगे की सोच हो, आगे बढ़ाने का कार्य हो, युवाओं को रोज़गार चाहिए, बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन ये सरकार, केंद्र की सरकार, हर तरह से फेल हुई। धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास किया, लोगों ने उसे नकारा। एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की, लोगों ने उसे नकारा। और यही हाल हरियाणा में भी है। आपने देखा कि ये पहले ही अपनी कमजोरी पहचान चुके हैं, मुख्यमंत्री बदला इन्होंने, और अभी भी हरियाणा में ऐसे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए अगले 3 महीने सभी लोग हम मेहनत करेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार लोगों की सरकार बनाए। हम जितने मार्जिन से जीते उनको तो सबने दिया है, वो हर वर्ग ने दिया है, छत्तीसगढ़ बिरादरी ने दिया है, शहरी ग्रामीण सबने दिया है। अब देखो शहरों में हमारे यहाँ, बाकी हरियाणा में कुछ भी हो, मैं तो कह सकती हूँ कि हर में मुझे हर जगह सपोर्ट मिला है लोगों से। ये बात नहीं, ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़वी सच्चाई है। आईना देखें, वो देश के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक मैम कड़वी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के पीड़ितों में तुम्हारी शैलजा का नाम भी शामिल था। सवाल में पूरे हों दो एक बार, जब आप कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनकर आई थी तो व्यक्ति विशेष ने भी दबाव डालकर आपको हटवा दिया था, इसलिए पीड़ित तुम्हारी शैलजा भी है। कोई किसी ने नहीं हटवाया, मैंने तो इस्तीफा दिया। दबाव था नहीं, ठीक है, मेरे को लगा कि भाई नाफिज है ना, काम करने नहीं दिया। देखो मैं काम करती हूँ, मैं स्वाभिमान से राजनीति करती हूँ। कोई मेरे ऊपर राजनीति मजबूरी नहीं है, लोगों की होगी मजबूरी राजनीति करने की, आगे अपनी पीढ़ियों की या कुछ भी परिवारों की। मेरी तो कोई नहीं है, मेरी तो जनता सेवा है, मेरे तो जिंदगी खुली किताब है, मेरा परिवार तो सब लोग हैं, तो इसलिए मेरे को कोई ये चिंता नहीं है। मैं अपने मन से करती हूँ राजनीति, लोगों के प्यार से करती हूँ। क्या कारण था कि सिरसा के लोगों ने मुझे बुलाया, प्यार से ही बुलाया है ना, हमने तो प्यार से जीता है लोगों को और प्यार से हम सेवा करते हैं, और भाई सच्चाई भी बोलने का पूरा अपना वो रखते हैं, आत्मविश्वास से बोलेंगे जहाँ जो लगेगा। इतने साल लगाए हैं लोगों के बीच में, काम करेंगे अपने उससे स्वाभिमान से। सिरसा के देखो मुद्दे बहुत हैं, और मैं आज के दिन एकदम ये कह दूँ कि मैं कल वो हल निकाल के ले आऊँगी। मैं इस तरह की राजनीति ना तो करती हूँ और ना किसी को भी करनी चाहिए। कभी फॉल्स प्रॉमिस मत दो लोगों, जो हो सके उससे ज़्यादा बढ़ के करो। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया, चाहे रेलवे लाइन, लोग याद करते हैं, मैं तो याद भी नहीं करती।
गांव के लोग भी आपने ये कराया ये कराया, मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं, मैं कभी बना के रखती हूँ हमने कभी कहाँ क्या काम किया। जब हाथ में आता वो लोगों की सेवा की, चाहे रेलवे लाइन की हो उस टाइम, चाहे कुछ भी किया हो, जहाँ मुझे लगता था कि हम कर सकते हमने किया। आगे भी जहाँ जो लगेगा, जो ज़रूरतें हैं उनको तो देखो प्राथमिकता होती है, वो प्राथमिकता होती है कि ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन हमको उससे आगे भी देखना चाहिए कि आगे भी बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कोशिश होगी केंद्र सरकार से भी, इससे भी मिलकर, जिस मंत्री से मिलकर, ये कहना अब जैसे आम सवाल हो जाता है आप लोगों का, मैं आपसे भी कहूँगी अब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओगे, भाई इतने साल हो गए सिर्फ आवाज़ उठाना काम है क्या? जो याद उठाओ और आवाज़ उठा दी कोई हमारी बात ये है कि काम करवाने के लिए जिसके पास अप्रोच करना पड़े, जहाँ जाना पड़े, डेलीगेशन में जाना पड़े, जो काम वो होता है, काम वो होता है। सिर्फ ये नहीं कि दिखने के लिए उंगली उठा दी थी हमने वहाँ पे ये बोल दिया, अब इतने सालों बाद अब ये भी नहीं है कि मैं माफी, काम करेंगे सबके सहयोग से करेंगे। और मेरी आदत है चाहे एम पी लैड है चाहे दूसरा है फंड आता है, लोगों जो लोकल लोग होते हैं ना उनके साथ बैठ के तो जो ज़रूरत है जो आपकी प्राथमिकता है वो ले लो, हम तो देना है, मैं क्यों अपने उसमें वो करूँ। उसी हिसाब से मेरा काम करने का तरीका है, आगे हम करेंगे, कमी होगी तो आप मुझे बता भी देंगे कि ये कमी है इसको ठीक करो, हम करेंगे टाइम से। वर्तमान पॉलिटिकल कम्युनिटी का रोल है पूरे हरियाणा में, मैंने कहा जैसे हम हर हल्के में हमने धन्यवाद किया, नरवाना में भी धन्यवाद किया, और नरवाना में क्योंकि उनके एरिया से वो लगता हुआ एरिया है उनका, अब नरवाना तो ऐसी जगह थी जो हम सालों से हार रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और पूरी बागडोर रंजीत जी ने, बल्कि मैं तो बहुत मेरा टाइम ज़्यादा इधर ही लगा और वहाँ बहुत कम टाइम में दे पाई, और लेकिन उसके बावजूद ऐसी हारी हुई सीट को हम बहुत अच्छे से देते हैं, और जो वीरेंद्र सिंह भी उनके बेटे भी उन्होंने सबने टाइम दिया, किरण जी ने भी वहाँ दिया उसका योगदान रहा, वहाँ पर धन्यवाद में उन्होंने भी धन्यवाद किया हमने भी धन्यवाद किया, और बिल्कुल आगे करेंगे मिलजुल के करते रहेंगे, तो क्या बात है ज़रूर मिलजुल के करेंगे, पार्टी को मजबूत करना है हमें। जो वीरेंद्र सिंह वापस आए हैं कांग्रेस पार्टी, पार्टी के दिग्गज रहे हैं। आपने कहा किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह के साथ बेइंसाफी हुई है, कैप्टन अजय यादव के साथ भी हुई है, कैप्टन अजय यादव अगर वहां से लड़ते गुड़गांव से तो मुझे लगता है विश्वास है वो जीतते। अब देखो बाहरी कैंडिडेट इतने वोट पे आ गए तो कैप्टन अजय यादव ने तो 5 साल मेहनत की थी वहाँ, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रही है, ये तो आप लोग ज्यादा विश्लेषण करते हो भाई, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो, आपका अनुभव क्या है? हमारे तो अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं क्योंकि नहीं वो बातें होती हैं। दलित वोट आपकी आपकी लड़ाई दलित वोट सारा कांग्रेस को गया है, बीजेपी उसको लेके बड़ा चिंतन शिविर लगा रही है कि सारा वो एसपी वोट है सारा कांग्रेस को चला गया है, आगे विधानसभा में ना जा पाए इसके लिए उन्होंने जो दिखावा किया और जैसे रिजर्वेशन के बारे में भी, और सिर्फ रिजर्वेशन की बात है, आपने एक वर्ग को गरीब वर्ग को उसमें बहुत सी जातियाँ आ गई, केवल ऐसी नहीं आता ऐसी ज्यादा है तो एक बात है, एक ये सच्चाई है, लेकिन और भी जातियाँ, गरीब को आपने एकदम दरकिनार कर दिया। गरीब को आप दरकिनार करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, और फिर आप 400 का नारा लगा रहे थे, क्यों चाहिए थे 400? क्या आप संविधान में बदलाव चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? और आपने कहा भी, आपके नेताओं ने भी कहा, तो ये मैसेज आपने दिया है, हमने नहीं दिया और ना एसीज ने अपने आप लिया, ये तो भाजपा ने ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया, संदेश दिया कि हम ऐसे काम करेंगे, तो अपनी करतूतें उनकी उनके सामने आ रही हैं, लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे उनके ऊपर? आज किसान है वो विश्वास नहीं कर रहा, छोटा दुकानदार है, छोटे जो व्यापारी हैं वो विश्वास नहीं कर रहे, उनमें कौन सा दलित कौन से आपके दूसरे वो आगे, आपने जीएसटी के नाम पे उनके साथ गलत कर रहे हो, सैलरीड क्लास है उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, हर एक के साथ तो आप कर रहे हो ना, कौन अफेक्टेड पार्टी नहीं आज। धन्यवाद।
पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में, एक आध होगा कोई लेकिन तकरीबन नहीं है, फिलहाल नहीं है, तकरीबन नहीं। इस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचेंगे। लोग सोच के पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं। आपका किरण चौधरी, मैं अहंकार से नहीं कह रही हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होके कह रही हूँ। आपका किरण चौधरी मैम से अच्छे संबंध रहे हैं, आप अभी भी उनको कहते रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि वो रुके आपकी पार्टी में? तो उन्होंने अपना फैसला अपने विवेक से लिया, जो भी है बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि मैं तो चाहते थे कि हम साथ रहें और साथ में पार्टी में मेहनत करें, तो क्योंकि उनका भी परिवार है, एक लेगेसी है, बंसी लाल की लेगेसी है और परिवारों की लेगेसी है हरियाणा में, इस तरह से एकदम ऐसा होना। बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ हैं उनको बाहर कर दो, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस नुकसान की भरपाई मैडम कैसे करोगे? पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, नुकसान तो हुआ, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ। किस तरह से हरियाणा में कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करेंगे, इस तरह से हरियाणा में कांग्रेस खाली होती जा रही है, क्या 24 का सपना पूरा हो पाएगा हरियाणा का? और क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप खाली तो खैर क्या, वो तो बता रहे हैं कि कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा दी, सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए क्या दौड़-दौड़ है? राज्यसभा अब आएगी, अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में भी, इंडिपेंडेंस भी, दूसरी पार्टियां इतनी खिचड़ी बन गई आज के दिन हमारे राज्य में सभी पार्टियों की स्थिति, तो अब देखते हैं, कोशिश तो होगी, कोशिश करेंगे। लोकसभा में हरियाणा में आपका आम आदमी पार्टी से गठबंधन था, क्या विधानसभा में ऐसी रणनीति रहेगी? क्या आज के दिन मैं नहीं कह सकती, ना मैं अधिकृत हूँ ये फैसला इसके बारे में कुछ कहने के लिए, ये तो अब बैठ मिल बैठ कर और हाईकमान के साथ फैसले होते हैं, डिफ्रेंस की बात में कुछ समय पर करेंगे, मैं अकेली अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, देना भी नहीं चाहिए। 26 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है हरियाणा कांग्रेस के बरेली को, क्या कोई ऐसा सिस्टम बन पाएगा जिसमें सारा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, अब आगे देखते हैं कि क्या डायरेक्शन होंगे, हाईकमान के डायरेक्शन को हम हमेशा मानते हैं, माने अर्ली, देखो टू अर्ली, अब कितने दिन चलेगी, क्योंकि जो दोनों इनके घटक हैं मेन बोलो स्ट्रॉन्ग है, राजनीतिक रूप से समझदार है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कब क्या, लेकिन कई बार क्या होता है हालात भी ऐसे बन जाते हैं, कई बार इवेंट्स ओवरटेक कर लेते हैं, इंसान प्लान उस डायरेक्शन में करता है लेकिन बुलावा कोई और आ जाता है, ये चीज़ें हैं, अब टाइम बताएगा, टू अर्ली है, थोड़े दिन में देखेंगे कि ये लोग कितना आपस सहयोग करके चला पाए। सिरसा के प्यार ने एमपी आपको बना दिया, अब जिम्मेवारी आपकी प्रदेश की तो पहले थी, अब नौ विधानसभाओं की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, तो दोनों की रहेगी? उसमें अच्छे कैंडिडेट विधानसभा के लिए चुनना एक आपकी बड़ी जिम्मेदारी, कोशिश करेंगे, देखो नीचे से भी सर्वे भी होंगे, पार्टी भी अपना वो करवाएगी, कैंडिडेट तो एक ही होगा, सब मिलकर। थैंक यू, थैंक यू जी।